हाय गाइस, वेलकम बैक। सलमान खान की फिल्म सिकंदर को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है और अपडेट जो है वो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ में उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ में बात करेंगे कि इस फिल्म का एक्चुअली बजट और बॉक्स ऑफिस इकोनॉमिक्स क्या कुछ रह सकते हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट दी अपडेट। देखो, सबको पता है साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सिकंदर आ रही है, विच इज स्टारिंग सलमान खान, रश्मिका मंदाना एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर है AR मुर्गदॉस। सलमान खान उनका डबल रोल है इस फिल्म में और उसमें भी डबल रोल्स के भी जो क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे वो हमारे सामने आ चुके हैं। पहला कैरेक्टर होगा एक ट्रक ड्राइवर का और दूसरा कैरेक्टर होगा एक गैंगस्टर का, एक क्रिमिनल का। तो दोनों ही ऑपोजिट कैरेक्टर्स होने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि इस फिल्म में किसी विलेन की जरूरत ना पड़े और जैसे बता रही हूँ कि जो क्रिमिनल वाला कैरेक्टर है वो हो सलमान खान का, वो एंटागनिस्ट भी हो। अब यहाँ पर बड़े ही मिक्स टाइप के रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन मेरा रिएक्शन क्या है, देखो कहने को अच्छी बात है कि सलमान खान एक ऐसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जो उनकी पिछली फिल्मों से हटकर है और इस बार उन्होंने सीरियस होकर काम करना शुरू कर दिया है। ऑडियंस का जो रिएक्शन शुरू से उन्होंने अभी इस रिसेंट टाइम में देखा, लुकिंग एट हिज बॉक्स ऑफिस बॉम्ब्स, उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कहानी के ऊपर एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने ऑडियंस की बात सुनी और ये सब इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इस खबर में एक चीज जो है जहां पर सबका ध्यान जा रहा है वो ये कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये कुछ कुछ जवान फिल्म से इंस्पायर्ड दिखाई देंगे। अब ये अपने आप में काफी बड़ी न्यूज हो सकती है, अपने आप में काफी घातक न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि देखो यार, जवान जो फिल्म थी ना वो फिल्म अलग थी और अगर उसके रेप्लिकास बनने शुरू हो जाएंगे इंडस्ट्री में विद बिग स्टार्स ओनली, तो मतलब फिर हम एज एन ऑडियंस ना हमारे मन में जो एक्साइटमेंट था सिकंदर को लेकर वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होने लग जाएगा। अब ऐसा भी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑडियंस ना अब बहुत पेशेंस लेवल ऑडियंस का बहुत नीचे आ चुका है और अब वो समय नहीं है जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, स्पेशली विद सलमान खान करियर इस टाइम पर, इस मुकाम पर आकर अगर वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में लग गए या ज्यादा कॉपी होने में लग गए कि जवान का फॉर्मूला हिट था, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर था, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला हम सिकंदर में भी रखेंगे। ऐसा अगर हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ लेकिन मुझे उम्मीद फिर भी इसीलिए है क्योंकि AR मुर्गदॉस जैसे डायरेक्टर हैं और वो काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली भी है कि कहानी बहुत ही यूनिक है, इससे पहले हमने ऐसी कहानी नहीं देखी है। मगर दीज आर जस्ट सो फार सी इट्स गुड, बट ऑडियंस के लिए ना अब ये सब टॉल क्लेम्स हो चुके हैं। ऑडियंस ना अब सॉलिड काम देखना चाहती है, रिजल्ट्स देखना चाहती है, अब कोई चांस नहीं। काफी पैसा ऑडियंस ने बहाया है बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर और स्पेशली इस साल में 2024 में दो ऐसे फियास्कोस थे जिनके बाद ऑडियंस बिल्कुल चांस देने के मूड में नहीं है, चाहे वो साजिद नाडियाडवाला की पिक्चर हो, चाहे वो किसी के बाप की पिक्चर हो। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ऑडियंस के लिए यही है कि भाई साहब, अगर तुम्हारी कहानी अच्छी है तो बात करना हमसे, नहीं तो ये सब डबल रोल कर लो, चाहे ट्रिपल रोल कर लो, चाहे सर्कस के में जैसे गुलाटी मारते हैं वैसे गुलाटी मरवा लो, तुम एक्टर्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहानी लेकर के आओ। जब तक बजरंगी भाईजान, मतलब जब हम सोचते हैं ना सलमान खान के बारे में, दिमाग में जो सबसे अच्छा काम उनका आता है बजरंगी भाईजान का आता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे ट्यूबलाइट अगर आपने नहीं देखी है, ट्यूबलाइट फिल्म भी में भी सलमान खान की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, भले ही वो फिल्म काफी ज्यादा बुरी तरीके से टैंक कर गई थी लेकिन मेहनत काफी करी थी उन्होंने उस फिल्म के लिए। सो एंड उससे पहले भी काफी फिल्में हैं जो सलमान खान की बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं जिनको हम याद करते हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, चाहे वो वांटेड थी, चाहे वो दबंग थी। एक दौर आया था लंबा, उस दौर को एकदम से ही वो दौर एकदम से खत्म हो गया, फिर फिल्में आने लग गई, ट्यूबलाइट, भारत, ऐसी फिल्में आने लग गई, राधे, तो किसी का भाई किसी की जान। तो मतलब फिर सलमान खान का, चाहे आप लुक में, और किसी का भाई किसी की जान में भी अगर आप देखो, टेक्निकली दो लुक्स थे जिसमें एक लंबे बालों वाला लुक था जिसमें लोगों को लग रहा था भाई मासूस तो पागल हो जाएंगे ये देखकर, मासूस को तो राधे याद आ जाएगा ये देखकर, लेकिन आपको पता है क्या हुआ था उसके बाद। और फिर दूसरा अगर हम देखते हैं कि राधे ही फिल्म की अगर हम बात कर ले तो उसमें तो नाम राधे था, उसमें तो सीटी मार गाना भी था जो कि साउथ का सीटी मार कॉपी था, वो सब चीज़ें भी काम नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि जो सोल ऑफ द फिल्म होती है वो कहानी है भाई, कहानी ही लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो ये ऊपर का लाग लपेट लोगों को पसंद नहीं आएगा। सो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ तो थी, लेकिन ये जवान के साथ जिस तरीके से लिंक होकर के आई, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक काफ़ी बड़ा खतरे की घंटी जैसा लगा मुझे। आई होप दैट आई एम रॉन्ग, आई रियली विश दैट सलमान खान की फिल्में आए, बहुत कमाल करें और बहुत ज़्यादा कमाल करें, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन ये फिलहाल मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, ये न्यूज़ मेरे को बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगी है। एंड आई वुड स्टिल वॉन्ट दैट यू नो मेकर्स मुझे गलत प्रूव करें और हम जाएं सलमान खान की फिल्मों में पहले की तरह सीटियां तालियां बजाएं और बाहर निकले खुश होते हुए। सो बाकी भैया आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिल लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, विच इज कॉल्ड स्टोर फंक्शन।